इस कोरोना महामारी में हमारा पूरा देश जूझ रहा है, तो इसलिए संदीप सर ने आगे की तरफ हाथ बढ़ाया है कि हम कुछ गरीब भाइयों की मदद कर सकें और कोई भी भूखा न रहे। हम अपनी अपनी जिंदगियों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन इस मौके पर अनजान लोगों का दुख बांटकर, उनको हिम्मत देकर, उनकी उम्मीदें बढ़ाकर जो अनोखी खुशी होती है वो आपने लेनी चाहिए। नहीं तकलीफ है बाबा, ये लॉकडाउन लगला फसल काम नहीं, धंधा नहीं, तो बच्चे को दो दिन से दूध भी नहीं मिला, हमारे बच्चे लोग को चाय भी नहीं बनाई हम लोग, वैसे खाते में थोड़े थे वो निकाल कर खाया, बाकी उनसे लेकर थोड़ा थोड़ा यूज करते थे। आपका दर्द आपकी आंखें बता रही है विजय जी, डोंट वरी, सब ठीक होगा। थोडस महिना निघेल तेवढा फायदा होईल का, तेवढा होईल करे, मदत करो इंसान का अच्छा हो। और भी लोग ऐसे हैं जिनको मदद की जरूरत है, बहुत सारे सर, अब देना चालू कर देंगे तो सुबह शाम हो जाएगी, देने वाली की लाइन खत्म नहीं होगी। इतना अच्छा सामान दिया, इतना हम गरीब को मदद किया, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। घरी नव्हतं तरी पण तुम्ही दिलं एवढं आमचं आभार मानतो, धन्यवाद। तुम्ही जो जो जरूरत थी वो सारे सामान मिलने, वो शुक्रिया डॉक्टर का। नमस्ते। कोरोना महामारी के चलते आज पूरा देश इस वायरस के खिलाफ जूझ रहा है, लेकिन इसी समय ऐसे भी बहुत लोग हैं, अनेक लोग हैं जिनको गरीबी की वजह से, काम की वजह से मुश्किलें आ रही हैं। तो हमने आगे आके ऐसे लोगों की मदद करने का प्रयास जारी किया है। आप वीडियो में उनकी भावनाएं देखकर समझ पाएंगे कि कितना खुश, कितनी खुशी मिल रही है उनको इस छोटे से मदद से। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जिससे भी हो पाएगा, जितना भी हो पाएगा, अगर आप सब आगे आके आज के इस दौर में इंसानियत को जिंदा अगर हम सब मिलकर रख सकेंगे तो ये दौर अच्छा जाएगा और हमारे लिए, सबके लिए, इस देश के लिए, इस पूरी इंसानियत के लिए खुशहाली बहुत जल्द आ पाएगी। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपने लेवल पे जितना हो पाएगा प्लीज़ आगे आइए और हो पाएगा जितनी मदद कीजिए लोगों की। थैंक यू। किसी की मदद करने से किसी का भला होता है, और प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद।